नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल धीरेन्द्र डबस द ट्रैवल देसी में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त धीरेन्द्र डबस। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सेकेंड वेव COVID-19 की कुछ कम हुई है, तो लोग जो टूरिस्ट हैं वो बाहर निकले हैं घूमने के लिए, कोई कहीं जा रहा कोई कहीं, तो हम भी निकल पड़े हैं एक नई जगह पर और वीडियो बनाने। तो सबसे पहले आप मेरे पीछे शायद देख के आपको कुछ अंदाज़ा हो भी गया होगा कि मैं आ गया हूँ नैनीताल में। जी हाँ, इस सीरीज़ में मैं आपको दिखाऊंगा नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा और जिम कॉर्बेट पार्क। तो अभी मैं फ़िलहाल बैठा हूँ नैनी झील में और बोटिंग कर रहा हूँ। तो नैनीताल में क्या क्या घूमने लायक है और आप यहाँ कैसे इन्जॉय कर सकते हैं, होटल्स कैसे हैं, होटल सस्ते हैं महंगे हैं, हर तरह के होटल्स हैं यहाँ पे, खाना कैसा है, तो इस वीडियो में आगे मैं वो बताऊँगा। तो दोस्तों, यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी कोई नई अपडेट आए तो वो सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों, यदि आपको मेरे ये वीडियोज़ पसंद हैं और अच्छे लगते हैं तो इसको शेयर करना भी ना भूलें, और यदि आपको मेरे वीडियोस देखने पर पसंद नहीं आते हैं तो मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि उनमें क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, ताकि मैं बहुत ही कोशिश कर रहा हूं दोस्तों ताकि आप लोगों को एंटरटेन कर सकूं, आप लोगों को वे जानकारियां दे सकूं जिनकी आपको ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। द मैपल रेजिडेंसी, ये था वो होटल जिसमें हमने नैनीताल में जाके रूम लिया। रूम का जो रेंट है वो है 2000 पर नाइट पर रूम। यहाँ से ये बाहर का नैनी झील का नज़ारा, चलिए आपको इस होटल में घुमाता हूँ। इस होटल में जो रूम थे वो बहुत ही नीट एंड क्लीन हाइजीन कमरे थे। इन्होंने हमें इसका जो प्राइस था वो बताया था 2500-2600 के आसपास, और इन्होंने अपना बेस्ट जो है 2000 से नीचे ये नहीं आए और इन्होंने हमें ये रूम 2000 रुपये में पर नाइट के हिसाब से दिया था। क्योंकि हम नैनीताल रात को 10 बजे पहुंचे थे, हम दिल्ली से चले थे लगभग 2 बजे और हमें नैनीताल पहुंचते रात के 10 बज गए। वैसे दिल्ली से नैनीताल की दूरी 310 किलोमीटर है, जो कि नॉर्मली तय की जाती है लगभग 7-8 घंटे में, लेकिन चूंकि कोरोना काल था इस वजह से हमें बॉर्डर पर ही काफ़ी टाइम लग गया था ई पास बनवाने में, क्योंकि हम वहां से ई पास नहीं लेके गए थे। तो आप भी इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जब आप उत्तराखंड में जाएं तो ई पास और RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आपके पास होनी ही चाहिए, नहीं तो वो आपको वापस लौटा देंगे। ये है इस होटल की छत से नैनीताल का नज़ारा। ये है हमारे होटल के मैनेजर, आपका नाम क्या सर? प्रमोद सियाल। प्रमोद, तो हमें बताइए कि यहाँ पर नैनीताल में देखने लायक क्या क्या है? देखिए एक तो अपना लेक का है, अपना लेक का अपना वो बोटिंग करने का है, इधर सामने टिफिन टॉप है, अच्छा इधर स्नूपी पॉइंट है, ठीक है पीछे की तरफ, पीछे की साइड वो चाइना पीक पॉइंट है, वहाँ ऊपर वो चाइना पीक पॉइंट है, वो सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस बीच आप जाएंगे तो यहाँ पर लैंसडाउन है, लैंसडाउन, हाँ लैंसडाउन अपना वो टिफिन टॉप लैंसडाउन, ये अपना हॉर्स से घोड़े से जाइए, अच्छा घोड़े से, ठीक है। तो ये सब भी इन्होंने बताया कि हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ देख सकते हैं। रात को रूम लेने के बाद हम खाना खाने पहुँचे दिल्ली दरबार में। यहाँ रेस्टोरेंट्स रात 11 बजे तक खुलते हैं और मार्केट 8 बजे बंद हो जाती है। तो हम पहुँचे दिल्ली दरबार में, ये मेरा दोस्त संदीप कुमार, हमने यहाँ पे ऑर्डर किया एक शाही पनीर, एक पीली दाल और बूंदी रायता और रोटियाँ।
तो अगर हम खाने की बात करें तो एक शाही पनीर तो थोड़ा सा टेस्टी था, लेकिन दाल और रायते में बहुत ज़्यादा नमक था। मेरे हिसाब से जो प्राइस इन्होंने दिया उस हिसाब से खाना इतना अच्छा इनका नहीं था। यहाँ पर दुनिया भर के रेस्टोरेंट्स हैं, ढाबे हैं, जो आपको सस्ता और महंगा खाना खिला सकते हैं। तो चलिए अब हम निकल पड़ते हैं सुबह माल रोड पर घुमाई के लिए। ये देखिए, ये पूरा माल रोड जो है होटलों से भरा हुआ है। आपको यहाँ 1500 रुपये से लेके 7-8 हज़ार रुपये तक रूम बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे इस माल रोड पर। ये माल रोड कम से कम नैनी झील के साथ साथ लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा है। ये था वो दिल्ली दरबार रेस्टोरेंट जिसमें हम रात को खाना खाने आए थे, लेकिन हमें इसका खाना पसंद नहीं आया। तो ये मेरे फ्रेंड्स, ये मिस्टर करमबीर, पीछे ललित और श्री जगबीर जी और उनके साथ मैं। तो हम सुबह 8 बजे निकल पड़े हैं नैनी झील में बोटिंग करने के लिए और मॉर्निंग वॉक इस माल रोड पर करने के लिए। तो जब तक हम जो अपनी बोटिंग साइट पर नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक चलिए बात कर लेते हैं नैनीताल की। तो नैनीताल नैनी झील के चारों तरफ बसा हुआ एक बहुत ही सुंदर शहर है। ये दिल्ली, यूपी, पंजाब से सबसे नज़दीक है। यहाँ रेस्टोरेंट्स की भरमार है, होटल्स दुनिया भर के हैं, और आप इस माल रोड पर सुबह, रात, शाम मॉर्निंग वॉक करें, घूमें, आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। नैनीताल उत्तराखंड के सबसे सुंदर पर्यटक स्थलों में से एक है। ये कुमाऊं पहाड़ियों के बीच में स्थित है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और यहाँ का जो मौसम है, अभी जो गर्मी थी तो हम होटल में सिर्फ एक पंखा चला के सो रहे थे, और वो भी एक रजाई लेके। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ का मौसम कितना सुहावना था और कितना अच्छा था। दोपहर में थोड़ी सी आपको जो है धूप लगेगी, मैं मानता हूँ, लेकिन शाम को और सुबह आपको यहाँ का मौसम सुहाना मिलेगा। तो चलिए आगे बात करते हैं कि हम नैनीताल में और इसके आसपास कहाँ घूम सकते हैं। ये है यहाँ की फेमस सेंट फ्रांसिस कैथोलिक चर्च, नैनीताल की उन चुनिंदा इमारतों में से जो यहाँ बेहद खूबसूरत हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। ये माल रोड बहुत ही सुंदर है, यहाँ वन वे है। यदि आप अपनी पर्सनल गाड़ी लेके नैनीताल आते हैं तो इसी रोड पे आगे जाके एक पार्किंग है, जो आपको 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से अपनी गाड़ी पार्क करने का वहाँ पे आपको मौका देती है। और आप वहाँ गाड़ी खड़ी करके अपने होटल तक आप आसानी से पहुँच सकते हैं। जैसा कि आप इस रोड पे देख पा रहे हैं कि जो लेफ्ट की तरफ ऊपर गलियाँ जा रही है, यहाँ अगर आप थोड़ा सा, यानी कि इस रोड से थोड़ा सा आप ऊपर की तरफ चलते हैं, तो आपको 700-800 रुपये से यहाँ होटल्स मिलने शुरू हो जाएंगे। और थोड़ा और आगे पीछे, यानी कि इस नैनी झील से आप थोड़ा, यानी कि 1 किलोमीटर की दूरी पे अगर चले जाते हैं, तो आपको 500 रुपये का रूम भी आसानी से मिल जाएगा। तो ये है, आपको यहाँ अकोमोडेशन सस्ता भी है, महंगा भी है, जैसा आप लेना चाहे वहाँ, यहाँ पे आप अकोमोडेशन ले सकते हैं। ये जो पीछे गई, ये थी वो चेक पोस्ट, जहाँ से आगे यदि आप अपनी पर्सनल व्हीकल लेके जाते हैं तो आपको 100 रुपये एंट्री देनी पड़ेगी। और ये है शहीद स्मारक, और ये है नैनी झील। यहाँ से पूरी नैनी झील का नज़ारा बेहद खूबसूरत, और यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं, जो कि हमने भी की। यहाँ बोट दो तरह की हैं, एक तो जो जैसे ये सेल्फ पैडलर, यानी कि अपने आप खुद चलाने की, और एक ये जो हमने ली जिसमें आपको राइडर मिलता है। तो चलिए नैनी झील में बोटिंग का जो रेट है उसके बारे में बात करते हैं। नैनी झील में यदि आप, यहाँ पे पीछे एक मंदिर है, आप यहाँ मंदिर तक यानी कि आधे से कम अगर राइड लेते हैं तो आपको 210 रुपये देने पड़ेंगे, उससे डबल लेते हैं तो आपको 310, और यदि आप इस पूरी झील का राउंड लेते हैं तो आपको 420 रुपये देने पड़ेंगे। और एक बात और, इस झील के चारों तरफ हर
पॉइंट पर आपको बोटिंग वाले मिल जाएंगे। आप कहीं से भी आप बोटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप स्टार्टिंग से ही करेंगे या किसी भी एक छोर से करेंगे। आप इस जो नैनी झील है इसके चारों तरफ जो है बोटिंग वाले अवेलेबल हैं, आप कहीं से भी कर सकते हैं और उनसे अगर आप बार्गेनिंग भी करना चाहें तो बेझिझक कर सकते हैं। ये है सामने यहाँ का सुंदर सा मंदिर और ये है यहाँ से नैनीताल की प्यारी प्यारी पहाड़ियों का नज़ारा। तो आप भी इस नज़ारे को लेते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। यदि आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो इसके साथ साथ हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं नैनीताल के बारे में। तो चलिए बात करते हैं नैनीताल के बारे में। नैनीताल का अर्थ है द लेक ऑफ द आई। माना जाता है कि देवी सती की आंख इस जगह पर गिर गई थी जिसके बाद इस जगह का नाम नैनीताल पड़ गया। कोई आश्चर्य नहीं है कि भारत में नैना देवी भी भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक पीठ है। तो यहाँ का जो नैना देवी का मंदिर है वो बहुत ही सुंदर है, उसकी बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। तो आप यहाँ आए तो उस मंदिर में आप दर्शन करने जरूर जाएं अपनी आस्था के हिसाब से। तो अब हम वापस अपने होटल की तरफ चल पड़े हैं क्योंकि मैं यहाँ एक ही दिन रुका था और मैंने अब जाके नहा धो के होटल को चेकआउट करना है। तो और चेकआउट करने के बाद हमने अपना लगेज रखा अपनी गाड़ी में और इससे आगे हम रोप वे पर चले गए स्नो पॉइंट देखने और रोप वे से इस नैनी झील का नज़ारा लेने ऊपर की तरफ थोड़ी देर में जाएंगे। तो चलिए और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं नैनीताल के बारे में, कुछ और जानते हैं कि नैनीताल का जो तो बात करते हैं नैनीताल की खोज की कि नैनीताल शहर को किसने खोजा था। तो बताया जाता है कि नैनीताल जो है 23 सदियों पुराना शहर है। इसमें एंग्लो नेपाली युद्ध के बाद कुमाऊं हिल्स ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया था। इसके बाद शाहजहांपुर के एक चीनी व्यापारी टी ब्रोन द्वारा प्रथम ब्रिटिश कॉलोनी के निर्माण के साथ ही नैनीताल के पहाड़ी शहर की स्थापना 1841 में हुई थी। और ये आपके सामने प्यारा सुंदर माल रोड और देखिए कोरोना काल होते हुए यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, इसीलिए अब यहाँ उत्तराखंड सरकार ने पूरी सख्ताई कर दी है। यदि आपके पास ई पास और RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट ना हो तो यहाँ बिल्कुल ना जाए क्योंकि आपको बॉर्डर से ही वापस लौटा दिया जाएगा। मानस खंड में नैनीताल को तीन ऋषियों की झील भी कहा गया है। पुराणों के अनुसार तीन ऋषि अर्थात अत्रेय, पुलस्त्य और पुल्लाह अपनी प्यास बुझाने के लिए नैनीताल में रुक गए थे। यहाँ वे पानी खोजने में असमर्थ रहे और उन्होंने एक गड्ढा खोदा और उसे पानी से भर दिया जो मानसरोवर झील से लाया गया था। इस प्रकार नैनी झील अस्तित्व में आई। और जो पहली मैंने आपको एक और कथा जो बताई थी जो यहाँ पे वो देवी सती वाली राजा दक्ष की जो बेटी थी उनकी एक आँख गिरी थी और तब से जो है ये आँख के रूप में ये नैनी झील अस्तित्व में आई। तो ये दो तरह की कहानियाँ हैं यहाँ पे कि भाई ये नैनीताल शहर कैसे बना। तो चलिए आगे चलते हैं इस सुंदर शहर के नज़ारे लेते हुए और मॉल रोड से इसी तरफ आगे जाके आपको पार्किंग मिलेगी। मैंने पहले ही बताया कि पार्किंग का शुल्क 100 रुपये पर डे है और हम अब जा रहे हैं पार्किंग की तरफ अपना लगेज उसमें डालने और फिर हम जाएंगे रोपवे से हिमालय व्यू देखने। आजकल जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे थोड़ा मौसम ख़राब है और ऊपर बता रहे थे कि ये ऊपर धुंध है, ये है वो पार्किंग जहाँ पे आप खड़े हो सकते हैं और हम जा रहे हैं रोपवे की तरफ। जब आप इस माल रोड पे स्टेट बैंक का ये देखेंगे तो इससे जैसे ही थोड़ा सा आगे की तरफ चलेंगे जिस तरफ से हम आए थे तो ये होटल के बराबर से ही लेफ्ट की तरफ ऊपर रोपवे की तरफ रोड जाता है। ये देख लीजिए यहाँ से अब हम रोपवे की तरफ जा रहे हैं। रोपवे का जो चार्ज है वो 300 रुपये पर हेड है वयस्क के लिए
और 200 रुपये पर हेड है बच्चों के लिए। बच्चों की जो उम्र है वो 1 से 12 साल के बीच में गिनी जाएगी। यदि आपके बच्चे की उम्र 12 साल तक है तो आप उसकी टिकट 200 रुपये लोगे। और इस रास्ते में काफ़ी जो है छोटे छोटे वो बना रखे हैं बच्चों के खेलने के लायक, यानी यदि आप जो है अपने पूरे परिवार के साथ आते हैं तो यहाँ बच्चे अच्छी तरह से इंजॉय कर सकते हैं। और ऊपर जब आप रोपवे से ऊपर की तरफ जाते हैं जहाँ से नैनी झील नीचे दिखाई देती है, वहाँ भी एक एम्यूजमेंट पार्क के रूप में एक छोटा सा एडवेंचर जो है पार्क सा बना रखा है, उसमें भी आप अपने परिवार के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और ऊपर जो है दो चीज़ें देखने की हैं, पहला नैनी झील ऊपर से पहाड़ी से देखना और दूसरा जो है हिमालय व्यू पीछे की तरफ। तो चलिए आगे चलते हैं हम रोपवे से आपको इस सुंदर शहर के सुंदर नज़ारे दिखाते हुए। तो बने रहिए मेरे साथ और नैनीताल के सुंदर नज़ारों का आनंद लीजिए। चलिए ये आ गई अपनी रोपवे और हम चल पड़े हैं अब ऊपर की तरफ। जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था और जो मेरे होटल के मैनेजर थे उन्होंने भी आपको बताया था कि हम यहाँ क्या क्या देख सकते हैं। उसके अलावा जो है हम नैनीताल में क्या देख सकते हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं टिफिन टॉप, किलबरी, स्नो व्यू पॉइंट, हाई एल्टीट्यूड जू, लैंड्स एंड और हनुमानगढ़ी में हम घूम सकते हैं। खुरपाताल और नौकुचिया ताल जैसे स्थानों पर आप आसपास घूम सकते हैं बड़े ही आराम से। और आप यहाँ अपनी छुट्टियों का आनंद बजट में भी ले सकते हैं, और यदि आपके पास थोड़ा बजट अच्छा है तो आप अच्छे होटल्स ले सकते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स में खा सकते हैं। यदि आपके पास बजट कम है तो उसी हिसाब से आप अपने होटल्स का चयन कर सकते हैं। अच्छे ज़्यादा महंगे रेस्टोरेंट्स की बजाय आप जो छोटे ढाबे हैं आप उन पर खा सकते हैं, जिनमें आपका खाने का बजट मात्र 100 से 150 रुपये ही आएगा और 400-500 रुपये में आप आराम से कमरा भी लेके यहाँ रह सकते हैं। तो ये लीजिए हम ऊपर रोपवे से जो है इस पहाड़ी के टॉप पर आ गए हैं। तो मैं अब जा रहा हूँ जहाँ से नैनी झील का ऊपर से जो नज़ारा दिखाई देता है वो बड़ा ही मनमोहक है, बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। और यहाँ पर आप यदि आते हैं तो अपना जो कैमरा वगैरह आप जरूर लेके आइए, क्योंकि यहाँ से आसपास की पहाड़ियों का जो व्यू है और जो नैनी झील का नीचे का नज़ारा है वो बहुत ही आकर्षक है। और ऊपर भी जो है एक छोटा सा बाजार है जैसा कि आप ये देख ही पा रहे हैं, और आप इस बाजार से भी अपनी ज़रूरत की कोई चीज़ें आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और ये है वो पॉइंट जहाँ पर आप नीचे नैनी झील का नज़ारा देख सकते हैं। और ये मेरे साथी यहाँ पे खड़े हुए हैं श्रीमान ललित जी, श्रीमान करमवीर जी और संदीप और जगवीर जी। तो हम 5 बंदों का जो है ग्रुप था और 5 बंदे हम जो है यहाँ नैनीताल में एक दिन रुके थे। तो आगे जाके मैं बताऊँगा और दूसरे जो वीडियोज आगे आएंगे इसके बाद, अल्मोड़ा का है, जागेश्वर का है, रानीखेत का और जिम कॉर्बेट का है, तो हम 5ों का 5 या 6 रातों का दिन का जो खर्चा है वो मैं बाद में बताऊंगा। और ये है एकमात्र यहाँ ऊपर जो आपका उत्तराखंड टूरिज्म का एक होटल है यहाँ ऊपर भी है, तो आप यहाँ इस होटल में भी रुक सकते हैं बशर्ते कि आपने ऑलरेडी ऑनलाइन इसकी बुकिंग की हो। तो यानी कि इस होटल में रुकने के लिए आपको पहले से ही इसकी बुकिंग करनी पड़ेगी। अब मैं जा रहा हूँ स्नो व्यू पॉइंट की तरफ, जिसकी ऊंचाई 2270 मीटर की ऊंचाई है और ये क्षेत्र सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है स्नो व्यू पॉइंट दूध सफ़ेद बर्फ के एक कंबल में लिपटी शक्तिशाली हिमालय के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। सभी 3 महत्वपूर्ण चोटियां नंदा देवी, त्रिशूला और नंदा कोटी की चोटियों को इस बिंदु से एक साथ देखा जा सकता है। त्रिशूल शिखर 7120 मीटर 3 पर्वत चोटियों का एक समूह है जो एक त्रिशूल की संरचना से मिलता जुलता है, इसीलिए इसे नाम दिया गया है नंद कोटी चोटी। 6861 मीटर का अर्थ है नंदा का किला। तो प्राचीन जो अपना हिंदुओं का जो ग्रंथ है उसके हिसाब से जो अपनी
देवी पार्वती है इस स्थान पर अपना पवित्र स्थान बना लिया था। स्नो व्यू पॉइंट जो है दूरबीन की मदद से सामने हिमालय रेंज और इसकी जादुई चोटियों को करीब से देखा जा सकता है। अगर आप जो है करीब से देखना चाहें तो जो है बिल्कुल आप इस पॉइंट को देख सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा मंदिर भी मिलेगा जिसमें राम सीता लक्ष्मण भगवान के साथ दुर्गा और शक्ति का चित्र है। यही है वो सामने जो स्नो व्यू पॉइंट है, लेकिन धुंध के कारण वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप किसी अच्छे मौसम में जब आएंगे तो आपको हिमालयन रेंज जरूर दिखाई देगी। तो ये हिमालय रेंज आगे की तरफ कोसानी से भी देखी जा सकती है और ये है वो एम्यूजमेंट पार्क जहाँ पे आप अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और मैं उस मंदिर की तरफ जा रहा हूँ जिस मंदिर का जिक्र मैंने अभी एक मिनट पहले किया था। वहाँ पर भी एक ऐसा ही एक पॉइंट बना रखा है इन्होंने जहाँ से वो हिमालयन रेंज को देखा जा सकता है, वो सामने मंदिर दिखाई दे रहा और यहाँ पर आप अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि मैं जो है ये चुनिंदा पॉइंट्स पर ही गया, इस मंदिर पे गया, नैनी झील में गया और भाई ऊपर जो है ये स्नो व्यू पॉइंट की तरफ आया तो माल रोड पे घूमा। तो आप इनके इन पॉइंट्स के अलावा भी आप यहाँ पर कहाँ कहाँ घूम सकते हैं तो इसी वीडियो में आगे मैंने उसको पिक्चर्स के जरिए आपको बताने की कोशिश की है। और अगर आप केबल कार्ट से ऊपर नहीं आना चाहते, रोपवे से ऊपर नहीं आना चाहते, तो 800 रुपये में आपको जो है यहाँ से टैक्सी मिल जाएगी जो आपको 2 घंटे में ये जितने भी 5-6 पॉइंट हैं वो सारे आपको वहाँ टैक्सी से जो है दिखा सकता है। लेकिन मैं आपको जो है कहना चाहता हूँ कि रोपवे से जाएं, रोपवे से ऊपर जाने का जो अपना मज़ा है, जो उसकी सुंदरता है, वो ये है वो रेट लिस्ट और ये हैं वो पॉइंट्स जहां आप घूमने आसानी से जा सकते हैं और मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए। क्योंकि यदि आप 2 या 3 दिन के लिए यहां नैनीताल आते हैं तो आप इन जगहों पर जरूर जाएं, आपको आनंद आएगा। नैना देवी के मंदिर में जरूर जाएं, काफ़ी जो है फेमस मंदिर है, श्रद्धा है, तो ज़रूर जाएँ, इन जगह पर आप घूम सकते हैं। तो यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यदि पसंद ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि किस कारण से आपको नहीं आया, ताकि आगे आने वाले वीडियोस में मैं उसको इम्प्रूव कर पाऊँ। तो अगले वीडियो आएगा अल्मोड़ा और जागेश्वर जी का, जागेश्वर धाम का, जो बहुत ही लाजवाब है। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद और बने रहिए मेरे साथ धीरेन्द्र डवास डॉट ट्रैवल देसी पर। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। आशा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आप लोग सभी स्वस्थ रहें इस महामारी के दौरान और कोरोना नियमों का पालन जरूर करें आप जहाँ भी घूमने जाएं। और आपके स्वस्थ होने की भगवान से दोबारा मनोकामना करता हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका फिर से दोबारा से तहे दिल से धन्यवाद और नमस्कार।